दून विधायक परमजीत पम्मी ने आज किशनपुरा पंचायत का दौरा किया, जहां पहुंचने पर गांववासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आज दून विधानसभा क्षेत्र किशनपुरा में विधायक परमजीत पम्मी ने 10 लाख की लागत से बनने वाले कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया और इसके साथ साथ पार्क व पंचायत की इनकम बढ़ाने के लिए पंचायत द्वारा बनाई गई दुकानों का भी उद्घाटन किया। विधायक परमजीत पम्मी ने बताया कि पूरे क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में जयराम ठाकुर के आशीर्वाद से रिकॉर्ड तोड़ विकास करवाया गया है, जो कि कांग्रेस सरकार के समय कभी भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जनता के प्यार और आशीर्वाद से ऐसा लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड बहुमत से बीजेपी का विधायक दून क्षेत्र से जीतेगा। वहीं उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का भी दून क्षेत्र में विकास कार्य करवाने पर धन्यवाद किया। किशनपुरा में हमने एक कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया है, 10 लाख रुपए की लागत से एक पार्क का उद्घाटन किया, एक जो पंचायत की इनकम के लिए जो शॉप्स बनाई गई है बस स्टैंड किशनपुरा में उनका उद्घाटन किया, और ग्राम पंचायत किशनपुरा में पिछले 4.5 साल में हमने 5 से 6 करोड़ रुपए का खर्चा जो इस पंचायत में हमने किया है, और दून विधानसभा क्षेत्र के अंदर रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ है। आज लोग उस विकास को याद कर रहे हैं, लोग विकास के साथ चलेंगे और लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा रिपीट होने जा रही है और दून से भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीतेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत भारी आशीर्वाद, बहुत भारी प्यार जनता का भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि जयराम ठाकुर जी ने दून विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ विकास कोई भी कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के टाइम में आया, कांग्रेस के टाइम में एक भी कार्यालय नहीं आया। मैडम मनोज चंदेल जी के टाइम में बद्दी तहसील आई है, बद्दी बिजली बोर्ड का डिवीजन मैडम मनोज चंदेल जी के टाइम में आया, एसपी ऑफिस बद्दी मैडम मनोज चंदेल जी के टाइम में आया, उसके बाद बीडीओ ऑफिस भारतीय जनता पार्टी के टाइम में अभी आया, और एसडीओ इसका आईपीएच का डिवीजन भारतीय जनता पार्टी के टाइम में आया, पीडब्ल्यू का डिवीजन भारतीय जनता पार्टी के टाइम में आया, पहाड़ी क्षेत्र में कॉलेज जो डिग्री कॉलेज चंडी में भारतीय जनता पार्टी के टाइम में आया, तहसील जो अपग्रेड हुई है पहाड़ी क्षेत्र की कृष्णगढ़ वो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में आई। कांग्रेस के टाइम में जिस परिवार ने 23 साल तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया वो लोग एक भी कार्यालय सरकारी कार्यालय इस दून विधानसभा क्षेत्र को लेके नहीं आ सके, इसलिए दून की जनता भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ खड़ी है और भाजपा को सपोर्ट करेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने जब से MLA बने हुए हैं, और काफ़ी हमारे इसकी दून की तरक्की हुई है, हमें बहुत खुशी है कि आने वाले टाइम में पम्मी जी ही हमारे MLA बने। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।